सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग फिर से टेल्स ऑफ डेमन्स एंड गॉड के एक नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे प्रीवियस एपिसोड में हमने लाइक एम रखे थे 4K लाइक्स के, जो आप लोगों ने बस 23 आवर्स के अंदर ही कम्प्लीट यहाँ पे आप लोगों ने करवा दिया था। तो अब इस वीडियो में हम लाइक एम रखते हैं 4.5K 4500 लाइक का, और मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है कि आप इस एम को भी कम्प्लीट यहाँ पे आप लोग करवा दोगी। तो फिर चलिए विश्लेषण को यहाँ पे हम शुरू यहाँ पे करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सभी लोगों को स्किल दिखाने के बाद नायली भी अपनी स्किल दिखाने के लिए कहता है, लेकिन सभी लोग इस पर नायली का मजाक बनाने लगते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि नायली एक शब्द लिखता है तो भी पाई को छोड़कर, ये यहाँ पे वो किसी को समझ में नहीं आता। और सभी लोग ये कहते हैं कि नायली पागल हो गया है, उसे यहाँ पे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और हम ये भी देखते हैं कि मुरुन और जुआन नायली का बहुत मजाक यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन अब इस बात से नायली को यहाँ पे अब कोई भी बुरा फील नहीं हो रहा था। हम देखते हैं कि लेन अपने नाराजगी को यहाँ पे जाहिर करते हुए तब नायली जी से वो को सोचकर अपने कृष्ण को फाड़ने जाता है, लेकिन यानिंग उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि इसे मत फाड़ो। और अब हमारा आज का एपिसोड इसी से आगे से स्टार्ट होता है। तो एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि यानिंग नायली के लिखे शब्द को बहुत ध्यान से देख रहा होता है, और हम ये देखते हैं कि यानिंग को भी वो वर्ड समझ में आने लगते हैं, और वो भी स्वॉर्ड डोमेन में पहुंच जाता है। और वहां जाकर वो देखता है कि वो ऐसी जगह पहले कभी नहीं आया था। उसे वहां जाकर पता चलता है कि नायली के पास कितनी पावर और स्किल है। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि यानिंग इतना कैपेबल होने के बाद भी अभी तक स्मार्ट डोमेन की जो नॉलेज पाई वो मिली थी, वो यहाँ पे इतना यानिंग में इंटरप्रेट यहाँ पे वो नहीं कर पाया था, उसके होश उड़े के उड़े रह गए थे। उसके बाद यानिंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान स्वार डेमोन की इतनी एक्सट्रीम लेवल की नॉलेज यहाँ पे वो रखता हो। हेवन वर्ल्ड और बुध इनकम्पेरेबल है, ये इतना सिंपली कैसे हो गया। तो यहाँ पे फाइनली नायली जीनियस है, ऐसे लोग जो दुनिया में बहुत यूनिक है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। मुझे अभी तक नहीं लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे उस पेंटिंग को हासिल यहाँ पे वो करना है। उसके बाद हम लेन को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि ज़रूर ही गड़बड़ है। और फिर मिंग अपने मन में कहती है कि मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है थोड़ी देर बाद देखने के बाद कि अब वो उसे वर्ड में बहुत ज़्यादा मीनिंग है, लेकिन बहुत देर बाद डीप जाना होगा उसे समझने के लिए। फिर हम नायली को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है यानिंग ने पोस्टर ध्यान से देख लिया है, और अब मुझे लगता है कि उसे मीनिंग भी समझ में आने लगी है। वैसे तो ये सारी चीज़ें जो मेरी स्किल है वो सब एक एशियन ग्रेट पावर के लिखे गए किताब से आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के या फिर बोला जाए तो अनलिमिटेड आर्टिस्टिक कंपैशन है। लेकिन क्या ये साधारण सा शब्द यानिंग के दिन और रात उड़ाने के लिए काफ़ी है? और मैं नहीं चाहता कि लेन या जुआन को भी समझ में आए। इतना कहकर कि नायली वो पेंटिंग अपने हाथ में ले लेता है, और अब वो कहता है कि अब यहाँ पे फाइट को एंड, हम लोग यहाँ पे वो करते हुए किसी को भी इसे समझने की जरूरत नहीं है, इससे कोई भी लिख सकता है, क्योंकि ये बस वर्ड साधारण सी लिखावट है। मैं इसे अब मैं यहाँ पे वो किसी को भी दे सकता हूँ जो भी इसे लेना चाहे। तो तभी यानिंग अपने मन में सोचता है कि क्या मैं इसे यहाँ पे रोकूं? अगर मेरे पास ये पेंटिंग कुछ और दिन रहे तो मैं इसे पूरी तरीके से समझ लूँगा। ये सब सोच रहे यानिंग कहता है कि रुको एक मिनट। ये सुनकर जुआन और मुरोन के तो तोते ही उड़ जाते हैं, लेकिन नायली को शायद ये बात सुनाई नहीं देती, वो अपनी सीट की तरफ बढ़ते जा रहा था। उसके बाद यानिंग दोबारा नायली को रोकता है और कहता है कि मैं इस पेंटिंग को यहाँ पे मैं बाय यहाँ पे करना चाहता हूँ, अगर तुम थोड़ा सा दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो मैं तुम्हें इस पेंटिंग के लिए 1,00,000 स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा। ये सुनकर के नायली बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और अपने मन में ही कहता है कि वाह 1,00,000, हाँ बोलो या ना। नायली को सोचता देखकर यानिंग कहता है कि अगर नायली तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है तो मैं तुम्हें 1,50,000 स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा, और मुझे लगता है कि इस पेंटिंग के लिए ये वाला तो अच्छा प्राइस है, मुझे ये आशा है कि तुम्हें ये डील अच्छी लगेगी। तो अभी लेन बीच में कहता है कि अगर नायली इसे नहीं बेचना चाहता तो उसे फोर्स मत करो। इस पर नायली कहता है कि जैसा आप लोगों ने भी थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि ऐसे शब्द दिन में कोई भी कितना भी यहाँ पे वो लिख सकता है, तो फिर आप लोग ये क्यों चाहते हैं? तो इस पर लेन कहता है कि ये सच में पागल है, या ये पागल होने का बस दिखावा यहाँ पे वो कर रहा है। लेकिन यानिंग बीच में ही कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम एक दिन में ऐसे कितने शब्द लिख सकते हो,
लेकिन फिर भी मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए ये 1.5 लाख चुकाने के लिए तैयार हूँ। और हमें एक दूसरे को सिंसियरिटी के साथ ट्रीट भी हमें करना चाहिए। और मैं ऐसे शानदार पीस बना कर कुछ दिए कैसे ले सकता हूँ? इस पर नाइली सोचता है कि मैं सच में यानी के साथ दोस्ती बनाने का एक मौका चाहता था। ये सोच कर के नाइली कहते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करें, अगर सीनियर ब्रदर यानियंग इतना सारा पैसा दे रहे हैं तो मैं उन्हें इससे भी अब कुछ अच्छा लिख कर दूँ। इतना कह करके नाइली वापस स्टेज पर चला जाता है और अपनी उसी पेंटिंग पर अब कुछ और भी लिख देता है और वो उसे यहाँ पे फोल्ड यहाँ पे वो करके ऑक्शनिस्ट को दे देता है और कहता है कि इसे प्लीज़ ब्रदर यानियंग को दे दीजिए। फिर हम देखते हैं कि ऑक्शनिस्ट वो पेंटिंग यानियंग को दे देती है। यानियंग तुरंत उसे खोल कर देखता है, जो अंदर लिखा है उसे तुरंत देखता है और देखते ही देखते उसके होश जो है वो उड़ जाते हैं और वो तुरंत पेंटिंग को फोल्ड यहाँ पे वो कर देता है ताकि कोई और उसे ना देख पाए। इसके बाद यानियंग नाइली को थैंक्स भी यहाँ पे वो करता है और कहता है कि मेरा इस ऑक्शन में आना सफल हो गया क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया। इसके बाद यानियंग स्पेशल स्टोन ऑक्शनिस्ट को दे देता है और कहता है कि जाकर नाइली को दे दे। और यानियंग ये भी कहता है कि आज और अभी से मैं और जूनियर ब्रदर नाइली फ्रेंड है। और फिर ऑक्शनिस्ट स्टोन लेकर जाकर नाइली को दे देती है। तो इस पर नाइली ऑक्शनिस्ट को थैंक्स भी यहाँ पे बोलता है और कहता है कि हाँ आज से मैं और सीनियर ब्रदर यानियंग बेस्ट फ्रेंड होंगे। इस पर लेन सोचता है कि यानियंग को न केवल उसका लेटर मिला बल्कि यहाँ पे अब कुछ शब्द फ्री में भी मिले। तभी हम मिंग को देखते हैं जो कि कहती है कि नाइली क्या तुम मेरे लिए भी एक शब्द लिख सकते हो, मैं भी तुम्हें 1.5 लाख रुपये देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सभी लोगों की हवा जो है वो गुम हो जाती है, लेकिन नाइली तुरंत तैयार हो जाता है। नाइली कहता है कि इसे फेवर मत समझिएगा लेकिन आपको भी मैं 2 शब्द लिख कर दूंगा। सीनियर सिस्टर मिंग इतना कहकर नाइली फिर से लिखने लगता है। और अब इस बार जब नाइली लिख रहा होता है तो मिंग को अब कुछ कुछ समझ में चीज़ें आ रही होती हैं। उसके बाद नाइली लिखकर पेंटिंग ऑक्शनिस्ट के हाथ को मिंग तक पहुंचा देता है। पेंटिंग लेने के बाद मिंग स्टोन नाइली को देने के लिए उसे ऑक्शनिस्ट को दे देती है और नाइली से कहती है कि जहां तक मुझे दिख रहा है तुम जूनियर सिस्टर लिंगार को लाइक करते हो, अभी से मैं लिंगार के ऊपर ज़्यादातर ध्यान दूंगी। इस पर नाइली मिंग को थैंक्स कहता है और हम देखते हैं कि ये सुनकर लिंगारी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैप्पी हो जाती है। तो उसके बाद ऑक्शनिस्ट स्टोन नाइली को दे देती है और नाइली स्टोन लेकर नीचे जाने लगता है और रास्ते में सोचते भी जाता है कि बस अब कुछ शब्द लिखे और 3 लाख स्टोन कमा लिए, आज का दिन तो वास्तव में बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार है। फिर जब नाइली अपने सीट पर आकर बैठता है तो पाई और लीजिंग उसे ग्रेट यहाँ पे वो करते हैं। फिर हम मुरोन को देखते हैं, उसका तो यहाँ पे चेहरे का रंग ही वो उड़ा हुआ था। और लेन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान होती है कि नाइली कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। फिर तभी नाइली पाई से पूछता है कि तुम्हें कैसे समझ में आया। इस पर पाई कहता है कि मुझे केवल तुम्हारी बात याद आई, उसके बाद मैंने ध्यान लगाया और सब कुछ मुझे अपने आप ही आ गया। ये सुनकर के नाइली पाई से कहता है कि चलो अच्छा है, मैं तुम्हें घर चलकर तुम्हें भी एक शब्द लिख कर दूंगा, मुझे ये बात पता है कि इस पूरे हॉल में तुमसे बड़ा जीनियस कोई नहीं है। ये सुनकर पाई हंसने लगता है और कहता है कि अब बस करो, ज़्यादा मजाक मत बनाओ। तभी उन दोनों के बीच बैठी लॉन्ग सोचती है कि ऐसा क्या है जो पाई यहाँ पे वो कर पा रहा है लेकिन मैं नहीं। क्या मैं इसे नाइली से ये मैं पूछ लूँ, लेकिन मेरे पास तो 1.5 लाख स्टोन भी नहीं है कि मैं पाई को अब कुछ पूछ सकूं और मैं नाइली से अभी इतनी मैं क्लोज भी नहीं हूँ। तो तभी नाइली उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम्हें कुछ कहना है। तभी ये सुन करके लॉन्ग थोड़ा शर्माने लगती है और वो किसी सोच में खो जाती है। और हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।